हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप हरे धनिया को लॉन्ग टाइम तक कैसे फ्रेश रख सकते हैं और कैसे आप घर पर फ्रेश मिंट पाउडर बना सकते हैं और हरे धनिया का पाउडर बना सकते हैं और लॉन्ग टाइम तक उसे स्टोर कर सकते हैं। और ये मार्केट जैसे होंगे, बिल्कुल केमिकल फ्री होंगे और जब आपका मन करे आप इन्हें यूज़ कर लें, क्योंकि गर्मियों में पुदीने और धनिया की शॉर्टेज हो जाती है तो कभी कभार नहीं मिल पाते हैं, तो आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर फ्रेश हरा धनिया लिया है। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले धनिया के जो पीछे वाला पार्ट है इसे कट कर देंगे। तो ये जो गड्डी थी ना धनिया की, मैंने इसको खोला नहीं है। अगर मैं इसको खोल लूँगी तो इसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो देखिए, पहले मैंने इसको ना इस तरीके से कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हरे धनिया की हरी पत्तियाँ हैं उन्हें एक तरफ रख लेंगे और जो पीले पत्ते हैं उन्हें निकाल लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से। तो आपने क्या करना है, सारे धनिया को इसी तरीके से साफ़ कर लेना है। अगर आप इस तरीके से करके रखते हैं तो फिर जब आपको यूज़ करना होता है तो आप फ्रिज में से निकालिए और यूज़ कर लीजिए, और आपका काफ़ी सारा टाइम जो है बच जाता है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने जो ख़राब ख़राब पत्ते हैं वो एक तरफ निकाल दिए हैं और जो साफ़ हैं पत्ते वो हम एक तरफ रख लेंगे। तो ये मैंने सारे धनिया को साफ़ कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको कट कर लेंगे। तो मैं एक नाइफ़ की मदद से अच्छे से इसको कट कर लूँगी। ये देखिए, इस तरीके से रखने से क्या होता है ना, इजीली हम क्या है, जब सब्ज़ी बनाते तो हमें कट नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट हम क्या है डब्बे में से निकाल कर डाल लेते हैं। तो मैं इसलिए इसको कट करके रखती हूँ ताकि जल्दी से काम हो जाए। तो देखिए, मैंने इसको ना कट कर लिया है। तो सारा धनिया कट हो चुका है। अब हम इसको रखेंगे एक बड़े बाउल में। अब पहले हम क्या करेंगे, एक से दो बार इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे ताकि इसके अंदर जो मिट्टी या जो गंदगी है वो सारी जो है निकल जाए। आप इसको अच्छे से मसलते हुए अच्छे से वॉश कर लें। फिर लास्ट में आपने क्या करना है, इसको ठंडे पानी से धोना है एक बार। आप चाहें तो आइस क्यूब भी डाल लें पानी के अंदर। तो मैंने ये बर्फ़ वाला पानी लिया है, ठंडा पानी है, मैं इसको यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। और 1 से 2 मिनट के लिए इसमें ही छोड़ देंगे ताकि इसकी फ्रेशनेस जो है वो बाकी रहे। और फिर इसको एक स्ट्रेनर के ऊपर निकाल लेंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो बिल्कुल निकल जाए। अब हम चलते हैं पुदीने की तरफ। तो मैंने यहाँ पर पुदीना लिया है और पुदीने के अंदर से हमने क्या करना है, पुदीने को कट नहीं करना, सिर्फ पत्तियों को अलग कर लेना है और डंडी वगैरह जो है या जो गंदगी है वो निकाल देनी है, सूखे पत्ते वगैरह। तो मैंने पत्तों को निकाल लिया है। अब इसको भी हम क्या करेंगे, एक बाउल के अंदर डालेंगे सारे, 1 से 2 बार वॉश करेंगे और फिर ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे। सेम स्टेप रिपीट करना है जो हमने धनिया के साथ किया था। तो अब हमारा धनिया जो है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका होगा। तो मैं यहाँ पर एक कंटेनर के अंदर क्या कर रही हूँ, नीचे टिश्यू पेपर बिछा रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से। और अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, अपने धनिया को रख देंगे। ये देखिए, इस तरीके से रखने से धनिया जो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चल जाता है और ख़राब बिल्कुल भी नहीं होता है। अब इसको हम लिड लगा देंगे और फ्रिज में रख देंगे। बारी आती है पुदीने की। तो पुदीने को भी आप ऐसे ही स्टोर कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें पुदीने का पाउडर बनाना हो तो उसे आप धूप में सुखा दीजिए। गर्मियों के मौसम में बहुत तेज़ धूप निकलती है तो एक दिन में पुदीना जो है बहुत अच्छे से सूख जाता है। अगर आपके पास कम टाइम है तो आप वॉश करने के बाद माइक्रोवेव भी कर सकते हैं, 1 मिनट में भी ये ड्राई हो जाता है। और फिर 1 मिनट बाद आप फिर से इसे माइक्रोवेव करें तो ये बिल्कुल इसी तरीके से हो जाएगा जैसे धूप में रखकर एकदम करारा हो जाता है ना, इसी तरीके से। ये देखिए, अब मैंने कोई मिक्सी का जार इस्तेमाल नहीं किया, हाथों की मदद से इसे क्रश कर लिया और एक बार ना स्ट्रेनर में निकाल लेंगे ताकि इसका बिल्कुल फाइन मार्केट जैसा पाउडर हमें मिल जाए। तो ये देखिए कितना फाइन पाउडर आप देख सकते हैं। और इसका कलर जो है थोड़ा सा मार्केट से डार्क होता है, क्योंकि हमने इसके अंदर ना ही कोई कलर यूज़ किया, ना ही कोई केमिकल, इसलिए जो नॉर्मल कलर है वही इसका आता है। ये धनिया भी मैंने थोड़ा सा सुखाया था। ये देखिए, इसको भी मैं हाथों से मसल रही हूँ। देखिए कितने अच्छे से यूं ही बिखर रहा है, ना हमने मिक्सी के जार में डालने की ज़रूरत, बस आपने हाथों से ही मसलना है, बहुत अच्छे से पाउडर बन जाएगा। ये देखिए, और ये ना अगर आपके पास फ्रेश हरा धनिया ना हो तो आप सब्ज़ी के अंदर ऊपर से भी डालेंगे तो उसके अंदर वही फ्रेशनेस आती है जो धनिया की होती है। ये देखिए, इसको भी मैंने छान लिया है और जो ऊपर जो थोड़ी बहुत डंडी वगैरह रह गई है सूखने के बाद भी, वो ताकि अच्छे से अलग हो जाए। फिर आप इन्हें एयर टाइट जार में कर सकते हैं। तो मैंने दोनों पाउडर्स को कर लिया है, एक है मेरा मिंट पाउडर और एक है फ्रेश धनिया पाउडर। दोनों में से जिसकी भी डब्बी आप खोलेंगे बगैर स्लिप के बता देंगे ये धनिया वाला है और ये मिंट वाला है। आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।